असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो आज ही बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ना मटन कीमा कढ़ाई बनाऊंगी झटपट सी रेडी होने वाली है ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको तकरीबन 30 मिनट में ये रेडी हो जाएगी ठीक है सबसे पहले जी कीमा लेंगे एक के जी प्याज लेंगे तीन मीडियम साइज़ के मोटा मोटा सा काट लिया था वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर वन टेबल स्पून नमक या हसब ज़रूरत वन टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च पानी लेंगे हंसब ज़रूरत या दो कप मैंने ये लिए थे और थ्री जी पेस्ट लेंगे तकरीबन टू टू एंड हाफ़ टेबल स्पून लेंगे अदरक लहसन और सब्ज़ मिर्चों को ना मैंने ग्राइंडर में डाल के ना उनको ग्राइंड कर लिया था ठीक है पतीली में सबसे पहले जी हम लोगों ने कीमा ऐड करना है प्याज़ ऐड करना है लहसन अदरक और मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और वन टेबल स्पून कोटी लाल मिर्च ठीक है इसको डाल के ये मैंने दो कप पानी के ऐड करके ना इसको पकने के लिए रख दिया था अभी के ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बुनाई करते वक्त के इंग्रेडिएंट्स डालूंगी वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ठीक है फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और इसको कुक करेंगे तकरीबन पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए कुक करेंगे ठीक है उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे ठीक है इसको कवर करेंगे और इसको कुक करेंगे ठीक है अभी जो मैंने इसको कवर नहीं किया था कवर किया इसको कुक किया तकरीबन पंद्रह से पंद्रह मिनट के लिए ठीक है मीडियम आंच पे तो उसके बाद इसका पानी हल्का हल्का सा ड्राई होने लग गया था अब जी इसके अंदर टमाटर ऐड करने की बारी है ये जी मैं कढ़ाई बना रही हूँ तो उस मैं इसके अंदर टमाटर ज़्यादा ऐड करूँगी तकरीबन मेरे पास चार टमाटर थे जिनको मैंने दो दो हिस्सों में कर लिया था ठीक है इनकी अब ना स्किन को पील ऑफ करेंगे ऐसे करेंगे इनको स्टीम में रख के ना तो मैं किसी भी फोक या किसी भी चम्मच की मदद से ना इसके ऊपर से ना इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा तो मैं वो करूँगी मैं आपको एक करके दिखाऊँगी और बाकी मैं फिर ऑफ कैमरा कर लूँगी ठीक है ये जी अब इनकी स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी ऊपर से ऐसे मैंने एक चिमटा लिया ठीक है उसके साथ जी इनकी स्किन को पील ऑफ कर दिया ठीक है क्योंकि छिलका नहीं हमें चाहिए हम लोगों ने सिर्फ स्किन ना जो बाकी टमाटर को हम लोग ना मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से और ये जी इस तरह वुडन चम्मच से ना हम लोग इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे ताकि हमारा जो भी मोटे मोटे लम्ब नहीं होने चाहिए अच्छे से इसको ना कर लेना ठीक है मैंने बुनाई इतनी अच्छे तरीके से कर लेनी है ऑयल और दही के साथ इसकी कि बिल्कुल सब कुछ यकजा हो जाएगा ठीक है अब जी ऑयल डाला तकरीबन मैंने एक कप ऑयल डाला था इसके अंदर जो मैंने पानी का हिसाब रखा था ना उसी हिसाब से मैंने एक कप ऑयल ऐड किया इसके अंदर ठीक है और इसकी अच्छी तरीके से ना तेज़ आंच करके इसकी बुनाई कर लेंगे ठीक है आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है मिक्स हो गया अच्छे तरीके से अब जी अब इसके अंदर ना ये जो सूखा धनिया ना इसको क्रश किया हुआ या पाउडर फॉर्म कह लें आप या क्रश कह लें जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोग वो ऐड करिएगा इसके अंदर उसके बाद ये टू टेबल स्पून मेरे पास दही था कम था अगर आप लोगों के पास तकरीबन हाफ कप हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं मेरे पास कम था मैंने टू टेबल स्पून ऐड करके ना दही अच्छे से उसकी बुनाएगी और इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया ठीक है ठीके? आप लोग देख सकते हैं कि अब किसी भी चीज़ के कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहे अब इसके अंदर हम लोग गर्म मसाला ऐड करेंगे तकरीबन टू टू थ्री पिंचज़ एक मैंने साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड की और बाकी कटिंग की हुई सब्ज मिर्च ऐड की अदरक ऐड किया ठीक है और लास्ट पे जी मैं आई थिंक इसके अंदर धनिया भी ऐड करूँगी हाँ जी धनिया भी ऐड करूँगी इसके अंदर और ये फाइनल लुक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी झटपट से तैयार होने वाली है बहुत मज़ेदार बनती है और और मेरे पास कीमा जो था ना वो ना ज़्यादा मोटा था ना ज़्यादा बारीक था बस दरमियाना सा था जब मैंने टमाटर की बुनाई की ना अच्छे तरीके से तब कीमा भी उस टाइम पर पक चुका था ठीक है और चलें जी रेसिपी को लास्ट तक देखने का शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अल्लाह